ये क्या होगा इसके लिए चिंता मत, उस आवेदन को हम 52 के लगभग हो गया है, प्रतिनिधि या कोई उसके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सज्जूरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान की कृपा से ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहिए दोस्तों। हम भी आपकी कृपा से ठीक हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो रात्रि में बना रहा हूँ और रात्रि में मेरे पीछे किताब रखा हुआ, किताब की तैयारी कर रहा हूँ और आप लोग भी कीजिए। आगे क्या होगा इसके लिए चिंता मत कीजिए दोस्तों। कॉमेंट में हमें बहुत आते हैं दोस्तों, कमेंट में भी लिखते हैं कि सर कितना कट ऑफ मार्क आएगा, कितना सीट है। देखिए दोस्तों, सीट और कट ऑफ मार्क के पीछे मत जाइए, अभी समय 10 दिन है, तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो सबसे पहले मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि सबसे वीडियो को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, 1 सेकंड का काम है दोस्तों, बस इतना सा सपोर्ट कीजिए। जो भी हो जानकारी मुझे मिलते हैं अपने जिला से लेकर बिहार तक का, वो आप लोग को शेयर करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो खास पर्पज पर बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 6 तारीख को मैंने कल का वीडियो बताया था दोस्तों, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन के लिए, बड़ा हॉस्पिटल उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नड्डा जी और मान्यगण सब मंत्री और नेता सब आए, 6 तारीख को आने वाले हैं और आए भी दोस्तों। इसमें आज का मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उसके बदले मुख्यमंत्री हमारे जो बिहार के हैं सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार पटना से आए हुए थे और साथ में उनके साथ में केंद्रीय मंत्री भी थे और कुछ नेता थे, नज़दीकी सांसद थे हमारे अजय कुमार मंडल जी और वगैरह से आए होंगे दोस्तों। विशेष कार्यक्रम के आपको जो मैं अभी का वीडियो में आप लोग को शेयर करूंगा दोस्तों, इसमें जो भी मैं आज घर में ही था, मेरा कॉलोनी हो रहा था, उसमें काम था, लेकिन मुझे जानकारी मिला व्हाट्सएप के माध्यम से, एक लेटर आया जो एक समरणालय न्यू ग्रुप भागलपुर जो हमारा है दोस्तों, ठीक है। ऐसे हमारा ग्रुप मैंने पहले भी बताया है कि 2 ग्रुप है, एक ग्रुप नया न्यू ग्रुप के नाम से बनाया है, उन लोग को एक संगठन होकर दोस्तों आज क्या कहते हैं भागलपुर में जो मंत्री सब आए थे हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उसको एक आवेदन दिया है दोस्तों। उस आवेदन को हम पढ़ के आप लोग को सुनाते हैं, ठीक है, और उस आवेदन से आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा क्या आवेदन में सच्चाई है, क्या है वो आवेदन का मान होगा या ऐसे ज्ञापन। तो दोस्तों हर नेता हर समझदार देता है और वो आवेदन का क्या सच्चाई है आप लोग जरूर देख के हमको बताइएगा। फिलहाल हम मोबाइल निकालते हैं, व्हाट्सएप पर आया था और उसी के आधार पर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हम ये अकेला नहीं गया था और जाने वाला बहुत सब गया, ठीक है। अभी दोस्तों बता रहा हूँ, ये व्हाट्सएप पर माध्यम से आया है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए लेटर, ठीक है। इस लेटर को मैं पढ़ के आप लोग को सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सेवा में उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना, विषय है चतुर्वर्गीय परिचारिक कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए भागलपुर समरणालय में विज्ञापन वर्ष 2016 में बिहार सरकार के नियम 63-65 अधिक उम्र के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए पैनल बनाकर बाली के लिए ज्ञापन उम्र के आवेदन को प्राथमिकता देते हुए पैनल बनाकर ज्ञापन निकाला गया था दोस्तों, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार करते हुए बिहार सरकार के नियम 63-65 को अवरुद्ध करते हुए पैनल बनाया गया, जिस कारण वर्ष 2016 से 24 तक इन आठ वर्षों में एक भी चतुर्वर्गीय पद पर श्री नीतीश कुमार जी शासन काल में बहाली नहीं हो पाया है, इसमें अविलंब बहाली क्या जाए। ये हमारे कहने का मतलब है दोस्तों, ये आप लोग को पूरा लेटर पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद लेटर करता भी है, कुछ ग्रुप भी बताई दोस्तों, संभाले न्यू ग्रुप जो हमारे भागलपुर में चला रहे हैं, जो उसका अध्यक्ष महोदय हैं, ठीक है, सचिव कोषाध्यक्ष है, वो सब भी है और विशेषता में आवेदन आप लोग को समझिए जो पढ़ के सुना रहे हैं, उसके बाद आपको कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। प्रसंग जिला पदाधिकारी भागलपुर का स्थापना शाखा के विज्ञापन 42-5-2016
2016-16-31 दिनांक 28/11/2016 के संदर्भ में महाशय उपयुक्त विषय में कहना है या कि विषय में यह कहना है कि वर्ष 2019 में बहाली के लिए पैनल बनाने में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। कभी पैनल के आरक्षण रोस्टर तो कभी मार्च बेसिस तो कभी 2023 में पुनः ऑनलाइन आवेदन मांग कर तो अब परीक्षा का समय 19/9/2024 ये भी दर्शा दिया दोस्तों, जो सरकार निकाला है 19/9/2024 का इसका भी जिक्र कर दिया हुआ को निकाल कर आवेदकों के जीवन बर्बाद किया जा रहा है। अब तो आवेदकों की उम्र भी वर्ष 45 से 52 के लगभग हो गया है। बात भी सही है दोस्तों, उम्र तो हो ही चुका है, अब दूसरा वो आवेदन कर ही नहीं सकता है। 45 से 52 के लगभग उम्र हो गया है जो कहीं आवेदन भी नहीं कर सकते हैं, जबकि वर्ष 2016 के विज्ञापन में कहीं परीक्षा लेने की बात नहीं कही गई थी और वर्ष 2000 में और 2012 में और 2015-16 में बहाली बिहार सरकार के नियम 63-65 अधिक उम्र के आवेदकों को प्राथमिकता वरीयता के देते हुए बहाली किया गया है और आज तक परीक्षा इस बहाली में नहीं लिया गया है। मतलब मैट्रिक स्तर पर जो भी परीक्षा लिया गया था परिचारी फोर्थ ग्रेड चपरासी प्यून वगैरह सबका उसका परीक्षा नहीं लिया गया था। इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों, जो हमको समझ में आ रहा है। मुझे आपको क्या समझ में आ रहा है हम पढ़ के सुना रहे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं लिया गया है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विज्ञापन वर्ष 2016 के बिहार सरकार के चतुर्वर्ग पद पर बहाली के नियम 63-65 अधिक उम्र के आवेदकों को प्राथमिकता देकर बहाली किया जाए और परीक्षा दिनांक 19/9/2024 को निरस्त किया जाए, जिससे श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा। आपका विश्वासी नाम पांडव कुमार निराला। ये देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, नाम पांडव कुमार निराला, दिनांक 6/9/2024। ये सवाला न्यू गुरु भागलपुर के तहत जो भी आवेदक पैनलधारी जो उसमें जुड़े हुए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हैं उसमें, उसके तरफ से इन्होंने पंडित कुमार निराला ने यह आवेदन उप मुख्यमंत्री को सौंपा है। उनका कहना है कि हम यह आवेदन उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन में जो भागलपुर में हम सौंप दिए हैं, आवेदन दे चुके हैं जो हमारे भागलपुर में आए थे आज के डेट में। अब दोस्तों इस पर एक मेरा तरकीब है कि ये आवेदन का फोटोकॉपी उसमें सिग्नेचर वगैरह सब कुछ तारीख डाल के तो दे दिया है व्हाट्सएप पर, लेकिन इस आवेदन में दोस्तों रिसीविंग का कोई नाम चीज नहीं है, प्राप्ति एक प्रति पाया वो प्रतिलिपि का है ही नहीं दोस्तों रिसीविंग। अगर कोई उनका उपमंत्री सम्राट जी का अगर कोई प्रतिनिधि या कोई उसके स्टाफ होंगे तो जरूर लिख के देंगे। अब इसमें हमको शक बुझा रहे दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्या सच्चाई है, ठीक है। ऐसे में इस लेटर को अपने वीडियो पर कोना में डाल देंगे, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं या वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस पर आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि लेटर बना ठीक है, टाइप हुआ है, कंप्यूटराइज सब चीज है लिखा हुआ, लेकिन इसमें रिसीविंग नहीं है एक प्रति पाया, यही थोड़ा सा डाउट है दोस्तों। आवेदन दिया कि नहीं दिया, सिर्फ बना के व्हाट्सएप पर डाल दिया और देने में कोई त्रुटि या कोई दिक्कत या भीड़ भाड़ के चलते नहीं गया, ये गया, ये सब कुछ लिखा नहीं। इसमें सिर्फ यही लिखा है कि उपमंत्री जी को हम आवेदन दे चुके हैं। चलिए दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, यही आप लोग से वीडियो पर एक लेटर का आपका थंबनेल भी बना दिए हैं दोस्तों टोटल चीज, बाकी बात आप लोग वीडियो में पूरा सुन के पढ़ के समझ कर हमको सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। ये हम तो
मोटिवेशन लाइक मिलता है, ताकत मिलता है। ठीक है, अब इस लेटर में क्या सच्चाई है ये तो हमको थोड़ा सा विश्वास है दोस्तों, बाकी आपको क्या है, आप लोग को भी पूर्ण विश्वास होगा क्योंकि दोस्तों परीक्षा कैंसिल नहीं होगा, चाहे कितना आवेदन दे दिया, आवेदन निकल गया है परीक्षा होगा। इसलिए हम भी चाहते हैं कि दोस्तों आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जिसका भी इस वीडियो से संपर्क है और वीडियो संपर्क करते हैं, हमको खुशी है कि मेरे तरफ से परीक्षा का तैयारी कीजिए, किस 10-12 दिन समय परीक्षा नहीं छोड़िएगा दोस्तों। हम ये लेटर किसी को बहकाने के लिए नहीं, किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं बनाते दोस्तों, ये बस हमारे यहाँ जो होते हैं उसका आप जानकारी देते हैं। ठीक है, इस लेटर से किसी को अदास्त करने का हमको नहीं है, बस आप लोग को तक पहुँचाते हैं और आपका जो उधर से कमेंट आते हैं हम पढ़ते हैं, उससे मेरा दिमाग खुलता है, दिमाग होता है, ये मेरा खुशी है, कुछ सीखने का मिलता है और आप लोग को हम पढ़ के सुनाते हैं कुछ, आप लोग उधर से सिखाइए, जानकारी दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग से विदा मांगते हैं, जय हिंद जय भारत। All right.